दोस्तों, अगर आप आंद्रे रसेल को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आईपीएल के 13वें सीजन का 8वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच आज अबू धाबी में खेला जाएगा। आपको बता दूं, ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 पर खेला जाएगा, जबकि इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आप स्टार स्पोर्ट के चैनलों पर देख सकते हैं। वहीं मोबाइल पर इस मैच का आप हॉटस्टार पर लाइव आनंद उठा सकते हैं। आपको बता दूं, ये पहला मौका होगा जब यूएई में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इस सीजन के पहले मुकाबले में हैदराबाद को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, वही केकेआर को उसके पहले मुकाबले में मुंबई ने हराया था। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में यही दोनों टीमें हैं जिनका खाता अब तक नहीं खुल सका है। आपको बता दूं, दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपने नाम 2 अंक हासिल करना चाहेंगी। कोलकाता को ऑफ स्पिनर और ओपनर बल्लेबाज सुनील नारायण के अलावा आंद्रे रसेल से सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी। 2019 सीजन में रसेल ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 52 छक्के लगाए थे। आईपीएल में रसेल का सबसे ज्यादा 186 का स्ट्राइक रेट भी रहा है, जबकि सनराइजर हैदराबाद के पास वार्नर के अलावा जॉनी ब्रेस्टो, प्रियम गर्ग और मनीष पांडे जैसे धुरंधर बल्लेबाज है। वही बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार के अलावा राशिद खान और युवा खलील अहमद भी है। पिछले 4 मुकाबलों की बात करें तो हैदराबाद और कोलकाता के बीच बराबरी का मुकाबला रहा है, दोनों ने 2-2 मैच जीते हैं। बात करें अगर हेड टू हेड की तो दोनों टीमों के बीच अब तक 17 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें कोलकाता ने 10 जबकि हैदराबाद ने 7 मैच जीते हैं। पिछले दोनों सीजन की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच हुए 4 मैचों में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर है। अब बात करें अगर पिच और मौसम की तो अबू धाबी में मैच के दौरान आसमान साफ रहेगा, तापमान 28 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिच से बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है, यहाँ स्लो विकेट होने के कारण स्पिनर्स को भी काफ़ी मदद मिलेंगी। शेख जायद स्टेडियम में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगी, या हुए पिछले 45 T20 में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को जीत का सक्सेस रेट 56.18% रहा है। बात करें आज के मैच की प्लेइंग 11 की तो केकेआर में शुभमन गिल, सुनील नरेन, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, इयान मॉर्गन, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, पैट कमिंस, कमलेश नागरकोटी, शिवम मावी और कुलदीप यादव होंगे, जबकि सनराइजर हैदराबाद में डेविड वार्नर, जॉनी ब्रेस्टो, मनीष पांडे, प्रियम गर्ग, मोहम्मद नबी, राशिद खान, शहबाज अहमद, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद और संदीप शर्मा होंगे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।